औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो लाहौर में गर्मी का बहुत ज़्यादा ज़ोर है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और कल आपका फिज़िक्स का पेपर है। तो मेरी तरफ़ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। कुछ गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करना चाहता था आपके फिज़िक्स के पेपर से पहले। कल 11th क्लास का फिज़िक्स का पेपर है, तो मेरी तरफ़ से मैं बहुत दिल से आप लोगों के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और जिसने जो जो याद किया, जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल किए हैं, जिस चैप्टर की थ्योरी की है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल से गाइड कर देता हूँ। जो आपके 17 मार्क्स के फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव आता है, वो आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है, मैंने बाकी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप एक डिटेल गाइडलाइंस की वीडियो हमारे लिए बना दें फिज़िक्स के लिए, ठीक है। लाइट भी सुबह से गई हुई है और इतनी गर्मी में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो एक लाइक के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त तक पहुँच जाए और आप लोग इसको ईजिली वॉच कर सकें, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह एमडी कैट के रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका पहले ऑब्जेक्टिव आना है 17 मार्क्स का, तो वो आप लोग पास्ट पेपर को प्रिपेयर करके 17 के मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास एंड पे एमसीक्यूज़ नहीं दिए गए होते। बायो और फिजिक्स में नहीं दिए गए होते, लेकिन जो हमारे पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है ना, उसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ दिए गए होते हैं लास्ट पे। तो इसी वजह से हम लोग जो होते हैं ना केमिस्ट्री के, वो तो लास्ट से हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी बायो और फिजिक्स होती है, इसके हमने जो पास्ट पेपर होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पंजाब बोर्ड से हैं, या पंजाब बोर्ड में आपका लाहौर बोर्ड है, ठीक है, पंजाब बोर्ड में लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड में बहुत सारे बोर्ड्स आते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका उसमें लाहौर बोर्ड है, तो आपने ये नहीं करना कि सिर्फ आपने 5 ईयर्स लाहौर बोर्ड के ही रिवाइज़ करके जाने हैं। आप लोग ऑल पंजाब बोर्ड, जैसे गुजरांवाला बोर्ड, FSD बोर्ड, AG के बोर्ड, पिंडी बोर्ड, ठीक है, इन सारे बोर्ड्स के 5 ईयर्स के पास्ट पेपर के MCQs एक दफ़ा रीड करके चले जाना, तो इंशाल्लाह आपके जो 17 मार्क्स हैं ना MCQs के, वो वहाँ से आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने सारे अपने लाहौर बोर्ड के, अपने ऑल पंजाब बोर्ड्स के, आपने जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, गैस पेपर कह रहा हूँ, 5 ईयर्स के पास्ट पेपर आपने वो सारे MCQs के हवाले से देख के जाने हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपने उसकी रीज़न मस्ट लिखनी है, ठीक है, पहले उसका येस और नो में जवाब दें, ठीक है, रीज़न की हेडिंग दें मार्कर के साथ। आप लोग फिजिक्स की प्रेजेंटेशन वीडियो जाके मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं, ठीक है, अगर अभी तक आपने वॉच नहीं की तो उसको लाजमी वॉच कर लेना। हेडिंग बनाया करें हर शॉर्ट क्वेश्चन की, हेडिंग फर्स्ट बनानी है, फिर येस और नो में आंसर देना है, फिर अगर उसकी पॉसिबल डायग्राम बनती है तो डायग्राम लाजमी बनाएं, और उसके साथ साथ आपने उसकी रीज़न मस्ट लिखनी है। एक्सरसाइज के शॉर्ट में आपकी रीज़न मस्ट होती है, लेकिन अगर कोई डेफिनेशन आती है तो उसकी एग्जाम्पल, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इक्वेशन आप लिख सकते हैं फिजिक्स के पेपर में अपने शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह आपने अपना शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपका न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल अगर आपने सही सॉल्व किया है, तो उसमें तो आपको 4 में से 4 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 5 की थ्योरी कर देते हैं, लेकिन समटाइम्स 4-4 पे डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें उनकी मर्ज़ी होती है और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा, अगर आपने न्यूमेरिकल सही किया, पहले 2 फाइंड का लिखें कि हमने ये फाइंड करना है, उसको डिटेल में लिखें, फिर उसका सलूशन स्टार्ट करें, सलूशन की हेडिंग दें, पहले 2 फाइंड की हेडिंग दें, फिर सलूशन की हेडिंग दें, फिर उसके बाद जो आपका आंसर आ चुका है, यानी कि जो आपने फाइंड कर लिया है, तो आप उसका आंसर लिख दें, तो आपको 4 में से 4 नंबर न्यूमेरिकल में मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास रह गया थ्योरी वाला सवाल। तो थ्योरी वाले सवाल में अगर किसी सवाल की डायग्राम बनती है तो उसको मस्ट बनाएं। 1 नंबर की डायग्राम होती है, 2 नंबर का उसका सारा मैथमेटिकल फॉर्म होती है, और 1 नंबर की आपकी थ्योरी होती है। तो 4 नंबर इस तरह आपको मिलते हैं। दोबारा गाइड कर देता हूँ, 1 नंबर की डायग्राम, 2 नंबर की आपकी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, और 1 नंबर की थ्योरी, उसमें डेफिनेशन और आप उसकी क्वेरी लिख के उसको आगे जो सॉल्व करते हैं वो 2 नंबर का, और 1 नंबर आपका डायग्राम। तो इस तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स दिए जाते हैं। तो कल के पेपर के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है, तो एक लाइक के बटन को लाजमी प्रेस कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त तक पहुँच जाए और आप लोग इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आप सबके जो है प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।